नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब, बोलबम के जयकारों के साथ हजारों डाक बम हुए रवाना। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे सुल्तानगंज, पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बाबा धाम हुए रवाना। गौतम हत्याकांड मामले में कुख्यात अपराधी सुबोध पासवान गिरफ्तार, सिटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, डॉल्फिन की रक्षा के लिए मछुआरों को किया गया जागरूक। और भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जेपी सेनानियों ने की बैठक, प्रांतीय सम्मेलन की तैयारी पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा वासुकीनाथ को जलाभिषेक करने को लेकर रविवार को भागलपुर की छोटी खंजरपुर सिरी घाट पर विभिन्न जिलों से आए डाकबम कांवरियों की भीड़ जुटी। सुबह से ही डाकबम कांवरियों का गंगा घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और पुरुष, महिला, युवक, युवतियां एवं छोटे बच्चों की भीड़ गंगा तट पर उमड़ी। शिव भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा की आराधना की और इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर डाकबम एवं कांवर यात्रा का संकल्प लिया। संकल्प के पश्चात बारी बारी से कांवरिया बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्री घाट से वासुकीनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान युवाओं के साथ महिलाओं एवं युवतियों ने भी गंगा में डुबकी लगाई और बाबा वासुकीनाथ के अलावा विभिन्न शिवालयों में दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए रवाना हुई। SM कॉलेज रोड, मनाली चौक, कचहरी चौक, अलीगंज रोड रविवार को डाकबम कांवरियों से पटा रहा और पूरा कांवरिया मार्ग बोलबम के नारे से गूंजता रहा। सावन माह के प्रत्येक रविवार को भागलपुर से डाकबम कांवरिया बाबा वासुकीनाथ के लिए गंगा घाटों पर जल उठाते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसको लेकर सावन के दूसरे रविवार को मनाली चौक से SM कॉलेज सिरी घाट तक कांवरियों की सुविधा के लिए पूजन सामग्री एवं कांवरियों की आवश्यकता की वस्तुओं की दुकान सजाई गई है, जहाँ भागलपुर समेत दूर दराज के क्षेत्र से आए भक्तों की भीड़ जुटी रही। शिव भक्तों ने गंगा जल पात्र, मौली, गेरुआ वस्त्र समेत अपनी जरूरत के पूजन सामग्रियों की खरीदारी की। जगह जगह कांवर यात्रा से पूर्व शिव भक्त विश्राम करते दिखे, जिससे उनकी यात्रा भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो सके। बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अपने सहयोगियों के साथ अजगैवीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां तेज प्रताप ने पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर पूजा पाठ किया। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूजा करने आए हैं, वहीं तेज प्रताप के आने की खबर सुनते ही कांवरियों की भीड़ जमा हो गई। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज में डाक कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी। डाक कांवरियों ने अजगैवीनाथ मंदिर के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान कर गंगा जल लेकर देवघर बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। डाक कांवरियों की भीड़ को देखते हुए जगह जगह कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया है। बाबा को दूसरी सोमवारी जलाभिषेक करने मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम सुल्तानगंज पहुंची, जहां उन्होंने कमरिया पथ में बेहतर व्यवस्था होने की बात कही। साथ ही उन्होंने श्रावणी मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की। इस दौरान पूरा कांवरिया पथ बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र तिलका मांझी बस स्टैंड के समीप गौतम यादव हत्याकांड मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने बरारी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि गौतम हत्याकांड मामले में SSP आशीष भारती के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने सजौर इलाके में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी सुबोध पासवान को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने कहा कि परिजनों के बयान पर नकुल यादव, विकास यादव और सुबोध पासवान को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें विकास यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं छापेमारी में सुबोध पासवान को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा आरोपी नकुल यादव फरार है। डीएसपी ने जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लेने की बात कही। हम आपको बता दें कि आपसी विवाद को लेकर 14 जुलाई की रात तिलका मांझी बस स्टैंड में गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिनांक 14/7/19 को सरकारी बस स्टैंड तिलका मांझी में
शाम में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के लिए थी, जिसका नाम गौतम यादव था। इस कांड में गौतम के परिजनों ने 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था, जिसमें से एक विकास यादव लगातार पुलिस छापामारी से घबराकर कोर्ट में सरेंडर किया, और दूसरा ये सुबोध पासवान, इसका लंबा आपराधिक इतिहास है, उसकी गिरफ्तारी थानाध्यक्ष बरारी ने काफ़ी मेहनत से सजौर थाना क्षेत्र से किया है, और एक नकुल यादव की गिरफ्तारी है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से रविवार को कहलगांव गंगा घाट पर डॉल्फिन संरक्षण को लेकर मछुआरों एवं आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के दौरान मुशहरी जाल के प्रयोग को डॉल्फिन संरक्षण में बड़ा बाधा बताया। स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान नेहरू युवा क्लब के सदस्यों ने गंगा तटों की साफ सफाई की, साथ ही गंगा स्वच्छता एवं डॉल्फिन संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर पीयूष वाजपेयी, रवि भूषण, सत्यम प्रांजल, रोहित गौरव सहित कई सदस्य मौजूद थे। वहीं सैंडिस कंपाउंड परिसर में मिशन 100 करोड़ वृक्ष की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मिशन के बिहार प्रदेश प्रभारी जय कृष्ण कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी नागरिकों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक वर्ष एक पौधा लगाने की अपील लोगों से की। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में रविवार को संपूर्ण क्रांति आंदोलनकारी मंच की ओर से जेपी सेनानियों की प्रांतीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, बांका समेत विभिन्न जिलों से आए जेपी सेनानियों ने समाज की समस्याओं के साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, जेपी सेनानियों की पेंशन एवं सुविधाओं में वृद्धि को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। साथ ही इन तमाम समस्याओं के समाधान एवं सरकार को जागरूक करने के लिए पहल करने की बात कही गई। इसके अलावा मंच की ओर से नवम्बर में प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर में आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जबकि राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में होगा। बैठक में प्रांतीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर रामशरण, निर्मल चंद्र, प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रकाश नारायण, मिथिलेश कुमार, जवाहर मंडल, अजय चौधरी एवं शंभुनाथ सिंह समेत बिहार के कई जिलों से आए जेपी सेनानी एवं मंच के सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के साकुंड में बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत माला पहनाकर किया। इस दौरान सांसद ने सभी कार्यकर्ताओं एवं साकुंड क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता ने जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सांसद ने प्रखंड के किसानों एवं खेती के हित में सिंचाई के लिए मृत पड़ चुके स्रोत एवं संसाधनों को पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे सिंचाई के अभाव में किसानों और फसल का नुकसान नहीं हो। उन्होंने साकुंड में बैठक एवं अन्य कार्यों के लिए सांसद निधि से हॉल का निर्माण कराने के साथ क्षेत्र में तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने सांसद को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और अकबर नगर अमरपुर स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के बाद अकबर नगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की। इस मौके पर प्रमुख रीना कुमारी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बीनू बिहारी, पुतुल सिंह, विपिन बिहारी सिंह, रामबालक सिंह, मुखिया हसीन अख्तर समेत एनडीए की कार्यकर्ता मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग,
MS Excel, MS PowerPoint शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वरनाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले जागृति महिला शाखा की ओर से रविवार को नगछिया विवाह भवन में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगछिया SP निधि रानी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति कुमारी एवं शाखा की अध्यक्ष कंचन खेमका ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न परिधानों में सजी महिलाओं ने एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी, साथ ही कई फन गेम्स का आयोजन किया गया। SP ने जागृति क्लब की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर प्रशंसा की, साथ ही SP ने नारियों को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम करने की बात कही। इस मौके पर रश्मि सराफ, नीतू चिरानमिया, कविता अग्रवाल, बीना चौधरी सहित कई महिलाएं मौजूद थीं। भागलपुर TNB कॉलेज के समीप बहुउद्देशीय प्रशाल में दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर की ओर से रविवार को मैट्रिक और प्लस टू की परीक्षा में सफल छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 300 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्थानीय संपादक जिवेश रंजन सिंह ने कहा कि यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, संसाधन और सुविधाओं के अभाव में बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व के तहत प्रतिभावान बच्चों को गोद लेकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। समारोह में SSP आशीष भारती, CT DSP राजभंश सिंह, प्रति कुलपति रामयतन प्रसाद, प्राचार्य अर्चना ठाकुर सहित कई शिक्षाविद उपस्थित थे। इस दौरान छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बात खबर ने हर वर्ष की भांति इस साल भी झारखंड, बिहार और बंगाल के सभी जिलों में 50,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा था। हम लोगों ने अपने इस इलाके में पूर्व बिहार कोसी के 13 जिले में अब तक 7,500 बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं। ये सिर्फ सम्मानित नहीं करना, ऐसे मंच पर उन बच्चों को बुलाना भी है, ढूंढना भी है जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको सुविधाएं नहीं। हम लोगों ने पिछले साल एक बच्चे को कुंदन को गोद लिया था, वो कुंदन इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर को मंच पर जिस तरीके से आया, बड़ा ही दिल खुश हुआ। भागलपुर के नाथनगर श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बिसपंती मंदिर में राय बहादुर गुलाब चंद्र जी जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश जैन ने रविवार को ट्रस्ट के चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैला जैन ने कहा कि बिहार राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल जैन एवं भागलपुर के सदर SDO की मिलीभगत से चंपापुर दिगंबर जैन बिसपंती मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति को हड़पने एवं मनीष जैन द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में भागलपुर जैन समाज के कुछ लोग भी शामिल है। शैला जैन ने कहा कि गलत ढंग से प्रशासन की मदद से ट्रस्ट का चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूर्व में ही उपाध्यक्ष एवं संयुक्त मंत्री के कार्यकाल का अभी 3 वर्ष बाकी है। उन्होंने कहा कि बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट के अनुसार यह जैन माइनॉरिटी का ट्रस्ट है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप उचित नहीं है। साथ ही कहा कि मनीष जैन के खिलाफ वित्तीय अनियमितता को लेकर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बसंत कुमार जैन ने नाथनगर थाना में मामला भी दर्ज कराया है और ट्रस्ट की ओर से चुनाव का विरोध किया जाएगा।
तो सेकंड जून को हम लोगों ने मीटिंग की थी, तो उसमें चुनाव किया था है? और समाज के लोग थे, उसके पहले नोटिस बनाई थी सबसे सिग्नेचर करने के लिए कि ये मीटिंग किस दिन हो रही है, हम लोग चुनाव कर रहे हैं 2 जून को। तो वो चुनाव कायदे से हुआ और प्रेस वाले भी आए थे सभी और पेपर में भी निकला था। तो पर उसको मान्यता जब हम लोग ट्रस्टी हैं, डोनर हैं और उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो ये तो उचित नहीं है। बिहार स्टेट दिगंबर जैन रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड गलत ढंग से प्रशासन की मदद से यहाँ इलेक्शन कराने का, जो कि 2 पोस्ट यहाँ का है, वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी का, जो पूर्व में ऑलरेडी इलेक्टेड हैं और उनका कार्यकाल अभी 3 साल बाकी है, उसके बावजूद भी ये इलेक्शन कराने का निर्णय ले लिया और इलेक्शन कराने की प्रक्रिया चालू कर दिया। हमारे जो बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट है, उस एक्ट के मुताबिक इन लोगों का इंटरवेंशन, चूँकि जैन माइनॉरिटी का ये ट्रस्ट है, उन लोगों का इंटरवेंशन उचित नहीं है। भागलपुर के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों की चल रही 4 दिवसीय टेस्ट परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा में बिहार सैन्य पुलिस के प्रशिक्षु एवं पटना जिला बल के प्रशिक्षु सिपाही शामिल हुए। 1000 प्रशिक्षु सिपाहियों ने CTS प्राचार्य विजय प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आउटडोर एवं इनडोर की टेस्ट परीक्षा दी। प्राचार्य ने कहा कि सत्र 2018-19 के बुनियादी प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए आयोजित जाँच परीक्षा में पास होने वाले सिपाही ही फाइनल परीक्षा में शामिल होंगे, साथ ही फेल करने वाले सिपाहियों को दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय PG गर्ल्स हॉस्टल में भाजपा की ओर से रविवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व संगीत विभाग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर किरण सिंह ने किया। इस दौरान काफी संख्या में पीजी की छात्राओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। किरण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी लगातार सफलता की ओर अग्रसर है। पुरुष, महिला और युवाओं के साथ सभी वर्ग एवं जाति के लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 11 बजे से बैठे हैं और अभी तक लगभग 50 मेंबर बना चुके हैं और लगता है शाम तक 100 से ऊपर जरूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक ऐप भी बनाते हैं। एक ओर जहां भागलपुर के तमाम कांवरिया मार्ग में शिव भक्तों का तांता लगा है, वहीं दूसरी ओर गंगा घाट से लेकर शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं और आम लोगों की ओर से कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। SM कॉलेज सीढ़ी घाट पर गायत्री कुंज महिला छात्रावास एवं भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गंगा घाट से आने वाले कांवरियों एवं तमाम श्रद्धालुओं के लिए शरबत, पेयजल एवं दवा की व्यवस्था की गई और सभी श्रद्धालुओं को लॉज संचालक प्रवीण झा एवं छात्राओं ने शरबत, पानी एवं मेडिसिन का वितरण किया। वहीं गंगा समर्ग की ओर से जल सेवा शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों ने डाक बम कांवरियों को जल एवं मीठा देकर सेवा की और गंगा घाट जाने वाले श्रद्धालुओं से गंगा में गंदगी नहीं फैलाने की अपील की। इसके अलावा भिकनपुर, मिर्जानहाट समेत कई जगहों पर कांवरियों की सेवा के लिए शिविर आयोजित की गई। नाथनगर चंपानगर में जमीयत उलेमा की ओर से निशुल्क कांवरिया जल सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हाजी मोहम्मद इम्तियाज साहब ने कहा कि इस तरह के आयोजन से जहां कांवरियों को सेवा प्रदान की जाती है, वहीं आपसी भाईचारे का माहौल भी तैयार होता है। संस्था के महासचिव तवरेज रहमानी ने कहा कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के पर्व त्योहारों का सम्मान करना चाहिए और इसको लेकर कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों के साथ कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो हिंदुस्तान के 4 आवाज़ है, वो आवाज़ उसको कायम रखने के लिए सभी धर्म एक समान है और हम एक दूसरे के धर्म को का आदर करें, यही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जमायतुल हिंद के तरफ से, कि जो भी कांवरिया भाई इस रास्ते से गुजरेंगे उसको हम पानी पिलाएंगे। जमायतुल हिंद जो सन 1919 में बनी है और तब से
हिंदुस्तान में अमन शांति का काम कर रही है। जमदमा के आदेश पर ही हम लोग जमदमा शहर भागलपुर की तरफ पूरे शहर में जगह जगह हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं। पहला आज प्रोग्राम है कि हम कांवरियों की सेवा के लिए यहाँ पर जल सेवा के साथ साथ फर्स्ट एड की भी हम लोग व्यवस्था रखे हैं और इसको हर साल हम लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत बांटने का काम करेंगे जो जमिया शुरू से चाहती है। कहलगांव के सनहौला प्रखंड कार्यालय में शनिवार की शाम अचानक छत का प्लास्टर भरभराकर नीचे गिर गया। इस दौरान कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। इसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। प्रधान लिपिक ने कहा कि जर्जर हो चुके छत की मरम्मति को लेकर कई बार इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की गई लेकिन इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हुई। इसके कारण कार्य करने में हमेशा डर लगा रहता है। इसके अलावा बारिश होने पर छत से पानी टपकता रहता है। प्रधान लिपिक निर्मल कुमार निराला ने कहा कि अगर जल्द ही छत की मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब। बोलबम के जयकारों के साथ हजारों डाक बम हुए रवाना। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे सुल्तानगंज। पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बाबा धाम हुए रवाना। गौतम हत्याकांड मामले में कुख्यात अपराधी सुबोध पासवान गिरफ्तार। सिटी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। डॉल्फिन की रक्षा के लिए मछुआरों को किया गया जागरूक। और भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जेपी सेनानियों ने की बैठक। प्रांतीय सम्मेलन की तैयारी पर हुई चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।